हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारे, जमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृषकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रेष्ठ डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री गौनिताय भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री वंशी वदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री कृष्ण बसंत रास यात्रा की, श्री बलराम रास यात्रा की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज शिशु गुरु एंड गौरव। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस मॉर्निंग भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में कई सारे फेस्टिवल हैं, तो उनकी मतलब संक्षेप में चर्चा करेंगे। मेन हम चर्चा करेंगे राधा कुंड प्राकट्य तिथि की, राधा कुंड आविर्भाव की। तो प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रुत्तम श्लोके भक्तेर भवतेर नष्ट के। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ उपदेशामृत में लिखा है, और ये श्लोक जो है राधा कुंज की महिमा के ऊपर लिखा है श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने। तो इस श्लोक से हम चर्चा करेंगे। तो ये उपदेशामृत का श्लोक संख्या 9 है। तो आप लोग मेरे पूछिए बोलिए। शब्दार्थ नहीं पढ़ रहा, सीधा श्लोक उच्चारण करेंगे, ठीक है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवान। वृंदारण्यम उदार पारी रमरा तत्रापि गोवर्धना। राधा कुंडम यापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लवनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेके न कः। वृंदारण्यमुदार पारी रमरा तत्रापि गोवर्धना। गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नका। वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धना। पते प्रेमामृता प्लावना।
कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कह। सीधा बोलेगा चलो उसका शब्दांत अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, तो उसका अनुवाद आप लोग सुनिए। मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया था। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहग रघुनाथान् तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहग ललिता श्रीविशाखान्वितांक्षं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज जो है
कौन सी तिथि है? तिथि फेस्टिवल नहीं पूछ रहा, पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? चैत्र पूर्णिमा, इसको मधु पूर्णिमा भी कहते हैं। चैत्र मास का एक नाम है मधु मास। द्वाव मासो तत्र चावासीन मधु माधवम एव च राम शबासु भगवान गोपी नाम रतिमावहन। जब भगवान बलराम जी वापस गए थे ब्रज में, तो उन्होंने 2 महीने जो हैं वहाँ पे रुके मधु माधवम एव च। भागवत में कहा गया 10वें स्कंद के 65वें अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में। तो वहाँ भगवान बलराम जी ने रास लीला भी की थी गोपियों के साथ। भगवान कृष्ण ही रास लीला नहीं करते, बलराम जी भी रास लीला करते हैं, इसलिए आज है ना श्री बलराम रास यात्रा। तो बलराम जी भी क्या करते हैं? रास लीला करते हैं। ये भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। कई बार कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि बलराम जी की रास लीला नहीं होती, वो भागवत तो पढ़ते नहीं हैं और उल्टी बात करते हैं ना, उनके बारे में यही कहना, जबकि भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जब आए थे तो 2 महीने रुके, और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में, तान रास क्रीड़ा कथा परमोदार वृंदावन गोपी सन करेला विहार। उनकी रास लीला परम उदार है, किस प्रकार बलराम जी ने गोपियों के साथ विहार किया। दुई मास बसंत माधव मधुना में बलराम रास क्रीड़ा करे पुराने। 2 मास 2 महीने करते हैं मधु और माधव, और ये बसंत ऋतु के 2 महीने हैं जिसको हम कहते हैं चैत्र और वैशाख। और आज से ही वैशाख शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी पूर्णिमा तिथि केवल 10 बजे तक है, उसके बाद जो है अगला महीना शुरू हो जाएगा, प्रतिपदा लग जाएगी। पर हम जो हैं क्योंकि उस तिथि को मानते हैं जिस दिन जो है सूर्य उदय हुआ हो, तो आज जो है पूर्णिमा तिथि है और सूर्य उदय पूर्णिमा में हुआ था। से सकल श्लोक ए सुन भागवते श्री शुक कहे न सुन राजा परीक्षित। तो सुखदेव जी भागवत में रास लीला वर्णन करते हैं बलराम जी की, और वो बताते हैं, और ये रास लीला आज के दिन ही हुई थी। क्योंकि रास लीला की एक बात याद रखना, रास लीला कब होगी? चाहे कृष्ण करें चाहे बलराम करें, पूर्णिमा पे, पूर्णिमा पे रास लीला हो सकती है, क्योंकि अंधेरे में रास लीला थोड़ी होगी, है ना, कृष्ण पक्ष में या नहीं, अंधेरे में नहीं होगी, ठीक है ना। पूर्ण चंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवनेरे में सेविते स्त्री गणेर्विता। 10:65-18 उसी श्रीमद् भागवत में कहा गया कि पूर्ण चंद्रमा की चांदनी खिली हुई थी और स्त्रियों के साथ बलराम जी रास लीला कर रहे थे, और आकाश में देवता लोग आ गए, ऋषि मुनि आ गए, वो दुंदुभियां बजाने लगे और ऋषि मुनि जो हैं प्रशंसा करने लगे। बताओ जिस स्त्री संघ की ऋषि मुनि निंदा करते हैं, वही बलराम जी की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, जयगान कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि रास लीला जो है ये भौतिक काम के जैसी नहीं है, वरना इस ऋषि मुनि इसकी प्रशंसा नहीं करते। भाई ऋषि मुनि तो करेंगे ना, वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान अगर गलत भी करेंगे तो वो तब भी कर देंगे प्रशंसा, नहीं है ना, ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि अगर भगवान भी गलत करेंगे तो ऋषि मुनि उसका समर्थन नहीं करेंगे, इसका प्रमाण है कोई है? हाँ प्रवीण ने ठीक कहा, भगवान बुद्ध
भगवान बुद्ध गलत करते हैं, गलत क्या करते हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया पर हमारे हिसाब से गलत किया। क्या गलत किया? वेद विरुद्ध प्रचार किया। अब उस समय आवश्यकता थी वेद विरुद्ध प्रचार की, क्योंकि वेदों के नाम पे लोग पशुओं की बलि दे रहे थे और यज्ञ आदि में कर्म कांड में बहुत ज्यादा लिप्त हो गए थे। तो भगवान के अंदर बहुत दया आई तो उन्होंने जो है ये कहा कि तुम यज्ञों अज्ञों के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, तो वेद के मार्ग का खंडन किया। तो ऐसा नहीं ऋषि मुनि उनका मानते हैं, उनको मानते हैं पर उनकी बात को नहीं मानते। चलो एक प्रमाण प्रवीण, और कोई प्रमाण? बलराम जी, हाँ सूद गोस्वामी को जो मारा था रोम हर्षण सूद गोस्वामी को, तब ऋषि मुनि ने जय खान नहीं किया था, है ना, उन्होंने हाहाकार किया था, ये क्या कर दिया, है ना, कोई उन्होंने प्रशंसा नहीं की थी। तब क्या कहा था, अरे बेचारा कथा कर रहा था, मैं कथा सुना रहा था, आपने मार दिया और आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। तो जो है ऐसा नहीं कि भगवान के हर कार्य की जो है ऋषि मुनि प्रशंसा करते हैं, कई कोई कार्य अगर लगता है तो वो उसका खंडन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, बलराम जी की रास लीला की प्रशंसा कर रहे हैं। नेदु दुंद भयो व्योमनी वृषु कुसुमेर मुदा गंधर्वा मुनयो रामा तद्वीरेण ईड़ता तदा। 10, 65 और 19वां, पर ये श्लोक जो है आजकल की जो भागवत में उसमें नहीं मिलेगा, ये प्राचीन भागवतों के संस्करण में है, ये 2 श्लोक आजकल की भागवत में नहीं मिलते पर ये श्लोक भागवत के ही हैं। तो ऋषि मुनि ने प्रशंसा की और इवन बलराम जी की रास लीला की लोग कहते हैं कि प्रमाणिक नहीं है, इवन भागवत में तो लिखा है कि इससे पता चलता है कि रास लीला में कोई दोष नहीं है कि दो ही भाई एक ठाई करे रास लीला, दोनों भाई एक साथ रास लीला करते हैं, कृष्ण और बलराम ब्रज में एक साथ भी रास लीला करते हैं, इसका वर्णन है भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। एक ठाई दुई भाई गोपिका समाजे करी लेन रास क्रीड़ा वृंदावन माजे कदाचित अथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रम विजहतो वने रात्र्याम मध्य गो ब्रज योषिताम। 10, 34, 20 भागवत इसमें स्पष्ट लिखा है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन 6 श्लोकों में 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में कैसे कृष्ण और बलराम एक साथ रास कर रहे हैं। बलराम जी कृष्ण के कौन से हैं, बड़े भाई हैं कि नहीं है, और बड़ा भाई किसके तुल्य होता है, पितृतुल्य। और बलराम जी का ऐसा भाई भाव भी था, सखा भाव में भी बलराम जी का जो सख्य था वो शुद्ध सख्य नहीं था, उसमें सुहृद भाव मिक्स था। सुहृद भाव कहते हैं उस सख्य को जिसमें जो चिंता होती है अपने सखा की, जैसे युधिष्ठिर का भी सख्य है कृष्ण के प्रति पर उनका सख्य में सुहृद भाव मिक्स है, है ना, कईयों का सखा समान भाव का होता है पर युधिष्ठिर का बलराम का सखा भाव समान भाव का नहीं है, इसमें मिक्स है। और बलराम जी के सामने कृष्ण मतलब छोटा भाई बड़े भाई के साथ मिलके ऐसे थोड़ी कर सकते हैं ना, तो इससे पता चलता है कि ये रासलीला क्या है, ये दिव्य है, क्योंकि दोनों भाई एक साथ एक ही जगह रासलीला कर रहे हैं। बाकी दोनों की गोपियां अलग अलग हैं, कृष्ण की गोपियां अलग हैं, बलराम जी की गोपियां अलग हैं, तो इस प्रकार से दोनों भाई क्या करते हैं, रास लीला करते हैं। तो इस प्रकार ये बलराम जी की रास लीला का हमने वर्णन किया जो कि श्रीमद् भागवत में ही है। और दूसरा आज भगवान कृष्ण की भी रास लीला है, ये कौन सी ऋतु चल रही है,
वसंत ऋतु। तो भगवान कृष्ण का रास दो प्रकार का होता है, एक शारदीय रास और एक वासंती रास। तो वसंत ऋतु के दो महीने आते हैं, एक चैत्र का और एक वैशाख का। तो भगवान चैत्र पूर्णिमा में भी रास करते हैं, क्योंकि आज की जो तिथि है ये वसंत पूर्णिमा है, और इसी प्रकार भगवान वैशाख पूर्णिमा में भी रास करते हैं। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में तीन बार भगवान कृष्ण की रासलीला आती है। एक बार आज के दिन आई है चैत्र में, इसको वसंत रासलीला कहते हैं, और दो बार भगवान शरद ऋतु में रास करते हैं। शरद ऋतु के दो महीने कौन से हैं? हाँ? नहीं, ये तो बसंत के हैं, शरद ऋतु के कौन से? अक्टूबर नवंबर, अश्विन और कार्तिक, ये दो महीने जो हैं ये शरद ऋतु के हैं। तो अश्विन पूर्णिमा में और कार्तिक पूर्णिमा में, इन दो पूर्णिमाओं में भी भगवान कृष्ण क्या करते हैं? रास लीला करते हैं। तो भगवान की रास लीला जो है, इस प्रकार से वासंतिक रास और शारदीय रास, ये दो प्रकार की है, और इसमें भी एक महारास है जो केवल एक बार होता है, जो भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर ब्रज में किया, और वो शरद ऋतु में किया कि वसंत ऋतु में किया, जिसको महारास कहते हैं, जिसका शुक मुनि भागवत में वर्णन करते हैं, शरद शरदो उत्फुल्ल मल्लिका। तो ये शरद ऋतु की अश्विन पूर्णिमा को जो रास होता है, ये महारास है। और हमारे वैष्णव कैलेंडर में तीन बार तो रासलीला का वर्णन है, इसलिए कई बार जो है बार बार कृष्ण की रासलीला आती रहती है, तो भक्त लोग कंफ्यूज ना हो, ये भगवान करते हैं रासलीला, है ना। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस प्रकार भगवान रासलीला करते हैं वृंदावन में, ये कहीं और नहीं होती, केवल ब्रज में वृंदावन में ही होती है। अब आज का हमारा जो मुख्य फेस्टिवल है, जिसकी हमें चर्चा करनी है, वो है राधा कुंड का आविर्भाव, राधा कुंड प्राकट्य। और वैसे हम कई सालों से इस्कॉन में जो हैं, राधा कुंड कब मनाते हैं फेस्टिवल? कार्तिक में। पर पता नहीं पिछले दो तीन सालों से ये मनाने लगे, ऐसे किसी को तत्व ज्ञान हुआ तो ये वैष्णव कैलेंडर में ये आया है। तो वैष्णव कैलेंडर में पर दोनों जगह राधा कुंड का फेस्टिवल दिया हो गया, दो बार आता है। अब एक ही फेस्टिवल दो बार कैसे आ जाएगा भाई, है ना। आज भी आविर्भाव है और फिर कार्तिक की, कार्तिक महीने में भी राधा कुंड और अष्टमी में। तो इस पर मैं विचार कर रहा था कि आखिर कौन सी ऐसी प्रमाणिक तिथि है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मतलब दोनों में से कौन सी प्रमाणिक तिथि है। तो विचार करने से शास्त्रों में कई ऐसे वचन प्राप्त हुए, जैसे एक पुराण है हरिवंश पुराण। अच्छा, भगवान ने ये लीला कब की थी? जब राधा कुंड का प्राकट हुआ, उससे पहले कौन आया था? अरिष्टासुर आया था, है ना, किसके रूप में? बैल के रूप में, ऋषभ, अरिष्टासुर। और ये कब आया था? ये आया था संध्या के समय, मतलब संध्या भी बीत गई थी, प्रदोष काल चल रहा था, और लगभग प्रदोष काल भी बीतने वाला था। प्रदोष काल पता नहीं कितना होता है, सूर्यास्त से पहले 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट, ये डेढ़ घंटे के करीब जो है प्रदोष काल होता है। तो करीबन करीबन 7:30-8 बजे के करीब ही आया होगा अरिष्टासुर, है ना, क्योंकि 6:40 पे जो है सूर्यास्त हो जाता है आजकल, तो अगर इस समय को लें तो 7:30-8 बजे के करीब आया वो। और उस समय भगवान खाना वाना खा चुके थे, डिनर कर चुके थे, और माता यशोदा ने उनको शैया गृह में भेजा कि जाके सो बेटा। पर भगवान की पहले से ही मतलब पूरी योजना थी, समझ लो सेटिंग थी, कि उनको आज रासलीला करनी है।
और भगवान चुपके से निकल के जा रहे थे क्या करने के लिए, रास लीला करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि यशोदा माता को बता के जाएंगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ रास करने, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। या नंद महाराज को तो छुपके से निकलते थे, वो सोने का उनका जो है बेडरूम था वहाँ से निकलते थे रास लीला करने के लिए, और किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि पहले ऐसे असुर नहीं होते थे कि 12-12 बजे तक जाग रहे हैं लोग, है ना, वो सो जाते थे समय से। ये असुरों का आजकल तो सोते ही नहीं है लोग, सोते कब है जब फोन हाथ से गिरे तब पता चलता है कि अब भाई नींद आ रही है, अब सोना चाहिए। ऐसी गंदी बीमारी लग गई है लोगों को, और सबसे ज्यादा जो गंदगी है ना वो YouTube के शॉर्ट्स है। सही मतलब इसमें आप बोर ही नहीं होगे ना, 10 सेकंड के बाद चेंज हो रहा है वो। अगर आप कोई मूवी देखो, कोई वेब सीरीज देखो, मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप बोर हो जाओगे, क्योंकि अधिकतर बोरिंग होती है, 10 मिनट देख के आपको नींद आ जाएगी। पर ये ऐसी बीमारी है कि इसमें आप सो ही नहीं सकते, घंटों घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। कह रहे 10 बजे शुरू किया था, 12 बज गए और पल्ले कुछ नहीं आता, मतलब कुछ फायदा हो रहा हो, कुछ मिल रहा, कुछ नहीं। नहीं प्रभु जी, कई बार ज्ञान मिलता है इससे। एक बार किसी भक्त ने कहा, मैं कहा प्रभु जी ज्ञान बहुनाम जन्म नाम अंते, भगवान कह रहे अनेकों जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ आपको 10 सेकंड में ज्ञान मिल जाएगा, क्या पागलपन है ये, है ना। अनेक जन्म बीत जाते हैं तब भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, और ये 10 सेकंड में ज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल बहुत गंदी बीमारी है, और लोगों को ऐसी लग चुकी है, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स हों, चाहे यूट्यूब के शॉर्ट्स हों, ये ऐसे समय को खाने वाली हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। सच में अगर भक्ति करनी है ना तो इनसे दूरी बना लो, चाहे इसमें भक्तों की भी आते हैं तब भी दूरी बना लो, क्योंकि ये भक्तों का एक आधा आएगा और 50 दूसरे आ जाएंगे बीमारी, है ना। ये गलत चीज है, लेक्चर सुन लो वो एक अलग बात है, प्रवचन सुनो वो अलग, पर शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखने चाहिए, बहुत समय खाते हैं ये, है ना, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से मतलब आजकल के लोग असुर हो गए हैं, और वो सोते तभी हैं जब उनका फोन हाथों से गिरता है, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जो है बड़ी जल्दी सूर्यास्त से पहले ही भोजन वगैरह करके ना सो जाते थे, 7 बजे तो उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमारे 12-1 बज गए हों। और अभी भी कुछ साल पहले भी देखो तो ऐसे ही होता था ना, ये अभी बीमारी ज़्यादा आ गई है। हमें याद है कि हम 8 बजे हमें ऐसा लगता था जब सर्दियों के दिन होते थे कि 12-1 बज गए हैं, जैसे जब छोटे थे तो 8 बजे ऐसा लगता था, और अब तो ऐसी रौनक होती है कुछ पता ही नहीं चलता कि 12 बजे हैं, 1 बजे हैं, जाग रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं वो सोने की तैयारी कर रहे थे, और वो भगवान मतलब निकल रहे थे कि उसी समय अरिष्टासुर आया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि राधा कुंड का जो है आविर्भाव किस दिन हुआ होगा। अब इस दिन भगवान को रासलीला करनी थी, तो अब इस दिन अष्टमी कैसे हो सकती है, आप विचार करो थोड़ा, और वो भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी बिल्कुल काली रात, क्योंकि जो आप अष्टमी को मना रहे हो राधा कुंड का आविर्भाव, वो कब मना रहे हो, कार्तिक में, और वो भी कृष्ण पक्ष में, वो भी अष्टमी तिथि को आप आविर्भाव मना रहे हो, तो उस समय तो रासलीला का मतलब ही नहीं है। तो रासलीला का मतलब नहीं है तो इसका मतलब उस दिन जो है भगवान की राधा रानी के साथ मुलाकात नहीं हुई, और उस दिन यानी कि अरिष्टासुर भी नहीं आया, क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि अरिष्टासुर चैत्र पूर्णिमा में आया है। तो जब चैत्र पूर्णिमा में अरिष्टासुर आया है तो राधा कुंड उसी दिन तो बना है, उसी दिन तो प्राकट्य हुआ है जिस दिन जो है अरिष्टासुर आया है। तो यही आज की तिथि प्रमाणिक है, आज के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव हुआ है, ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत बता रहे हैं। अब इसका प्रमाण भी देते हैं, भाई ये इतने सालों से मनाते आ रहे थे, है ना, इतने पर देखो इतने सालों से उसका क्या कारण है,
क्यों मना रहे तो उसकी भी चर्चा करेंगे, पर प्रमाणिक तिथि अगर कोई जानना चाहता है तो आज की तिथि, आज के दिन ही राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, इसके प्रमाण दे रहे हैं। एक ग्रंथ है हरिवंश पुराण, और हमारे गोस्वामी लोग इसको बहुत कोट करते थे, रूप गोस्वामी जी ने कई जगह इसको उदाहरण दिए हैं, जी गोस्वामी जी ने कई जगह, ये वेदव्यास ने लिखा है। तो इसके अंदर तीन पर्व हैं, ये महाभारत का ही अंतिम भाग है हरिवंश पुराण। महाभारत के अंदर 100 पर्व हैं, तो उसमें तीन पर्व जो हैं हरिवंश पुराण के अंदर हैं, हरि पर्व, विष्णु पर्व और भविष्य पर्व, ये तीन पर्व। तो इसके विष्णु पर्व के 21वें अध्याय के पहले श्लोक में लिखा हुआ है, प्रदोषर्दे कदाचित्तु कृष्णे रति परायणे त्रासयन् स मदो गोष्ठम अरिष्टा प्रत्यदृश्यत। इसमें बता रहे हैं अरिष्टासुर कब आया, प्रदोष अर्दे कदाचित, कह रहे हैं किसी दिन प्रदोष काल के बीतने के बाद, यानी रात्रि के भी 1.5 घंटा बीत चुका था, तो वही 7:30-8 बजे के करीब, कृष्णे रति परायणे, कृष्ण रासलीला के परायण थे, यानी रासलीला कर रहे थे। कई कई ग्रंथों में तो लिखा है कि रासलीला शुरू हो चुकी थी और रासलीला के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ गया ये। त्रासरयन है ना, समदो बड़े अहंकार के साथ आया ये अरिष्टासुर। गोष्ठम अरिष्टा प्रत्यदृश्यता, भगवान ने देखा कि गोष्ठ में अरिष्टासुर आ रहा है, अथवा मतलब भगवान रास करने जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि अरिष्टासुर आ रहा है, और बिल्कुल काले कोयले के समान काला था, है ना, बिल्कुल काला। हम जब चित्र बनाते हैं तो सफ़ेद बैल का बनाते हैं ना, पर ये सफ़ेद नहीं था, ये क्या था, काला था। हमने कई चित्र गलत बना के रखे हैं अपने दिमाग में, जैसे मैंने चित्र बना रखा था ब्रह्मा जी है ना, बहुत बुरा व्यक्ति है, कोई सफ़ेद दाढ़ी है ना, बुरा व्यक्ति है, क्योंकि यही दिखाया गया है। अरे बुढ़ापा तो भाई स्वर्ग में नहीं होता, तो सत्यलोक में कैसे बुढ़ापा आ जाएगा, तो बुढ़ापा नहीं है। जैसे हम लोगों ने चित्र बनाए रखा है अपने दिमाग में कि शेषनाग जी काले हैं, पर शेषनाग जी काले नहीं है, शेषनाग जी किस वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं। कई ऐसे चित्र गलत बना रखे हैं हमने, मतलब कई ऐसी पिक्चर हैं गलत बना रखी हैं अपने दिमाग में। कभी भी सोचो शेषनाग जी कैसे आते हैं, ब्लैक ही आते हैं ना, पर ब्लैक नहीं है, गौर वर्ण के। शिव जी का कलर हमने नीला बना के रखा है अपने हृदय में कि नील वर्ण के हैं, पर शिव जी गौर वर्ण के हैं, शिव जी नीले नहीं है, शिव जी का कंठ है सिर्फ नीला, है ना, पूरा नीला दिखा देते हैं ना, तो वही पिक्चर दिमाग में बैठी हुई है, पर गलत पिक्चर में बैठी हुई है कई, जो शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं जब प्रकट हुए 4 भुजाओं में, तो हमने जो चित्र बना रखा है कि वो जो हैं बड़े युवक थे, है ना, भगवान 4 भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए, जबकि भागवत में लिखा है तम अद्भुतम बालकम, चतुर्भुज बालक के रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म था। तो इस प्रकार से कई हैं जो हैं शास्त्र के हिसाब से सही नहीं है, पर वो चित्र हैं बसे हुए हैं जोरदे में। तो इस प्रकार काला कोयले के समान अरिष्टासुर आया, और इस प्रकार जोर से सबको डरा रहा था, ऐसी हुंकार कर रहा था कि उस समय जो गाय वगैरह थी कईयों के जो हैं गर्भपात हो गया, है ना, इस प्रकार सारे जो हैं बच्चे गोपियां पशु तो भागने लगे, इतना जोर से आ रहा था बड़े वेग से, और मल मूत्र का त्याग करते हुए, और इतना बड़ा विशाल शरीर था अरिष्टासुर का कि कहते हैं कि उसका जो ककुत था जो उस पे जो बादल पर्वत समझ के विश्राम करते थे, कि जैसे कोई पहाड़ है, है ना, जो पीछे ककुत होता है ना, ये इतना उठा हुआ था लग रहा था कोई पहाड़ है, और इस पे जो है बादल विश्राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यही बात विष्णु पुराण में भी लिखी हुई है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है,
प्रदोषण दे कदाचित तू रासासक्ते जनार्दने त्रास्रयन समदो गोष्टम अरिष्ट समुपागमत। विष्णु पुराण पंचम मंश 14वां अध्याय पहला श्लोक। तो इसमें भी बताया गया है कि भगवान रासासक्ते जनार्दन, भगवान रासलीला कर रहे थे, तो भगवान ने फिर अरिष्टासुर का वध किया। और भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान ने कैसे उसको मारा, या हरिवंश पुराण में विष्णु पुराण में, कि भगवान ने पहले तो उसकी जो है उपेक्षा की कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, और अपने मित्र के कंधे में हाथ डाल के भगवान खड़े थे। और जैसे ही अरिष्टासुर भगवान की ओर भाग रहा था तो भगवान एकदम उसके कंधे पे चढ़ गए और अपने एक पैर से दबा के उस अपने हाथ से उसका एक सींग निकाल दिया और उसकी पूरी गर्दन मरोड़ दी, ऐसे मरोड़ दी, ऐसे मोड़ दी जैसे गीले कपड़े को कोई सुखाता है, निचोड़ दिया भगवान ने पूरा। ये लिखा है भागवत में भी, विष्णु पुराण में भी, हरिवंश पुराण में भी है ना। और फिर दूसरा सींग भी निकाला, वो पूरा खूनम खून आया, और दूसरे सींग उसी के सींग से उसको मारा। अपना कोई अस्त्र शस्त्र भगवान ब्रज में तो कोई अस्त्र शस्त्र लेते भी नहीं है ना, अपने हाथों से ही काम कर देते हैं सबका। तो अपने सींग निकाल के जो है, हाँ भगवान ने यहाँ सबको अपने हाथों से ही मारा है। जैसे केशी असुर आया था तो उसको कैसे मारा भगवान ने, उसके मुंह में अपना मुक्का अंदर दे दिया और ऐसा तपने लगा कि वो अंदर ही उसका पूरा सब कुछ जल गया केशी असुर का। तो इस प्रकार भगवान ने वो असुर जो है खून की उल्टी करता हुआ वहीं नीचे गिर गया। और तब भगवान जो है, भगवान की तो पहले से योजना है कि रासलीला करने जाना है, तो वो रासलीला करने चल पड़े। तो तब वहाँ राधा रानी से मुलाकात हुई, तब गोपियों से मुलाकात हुई। तो तब जो है राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, डोंट टच मी, है ना, तुम जो है मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि तुम क्या करके आए हो, यू आर गो हत्यारा, है ना, कि तुम जो है गौ हत्यारे हो, तुमने गौ हत्या की है। तो भगवान ने कहा वो गौ थोड़ी था, वो क्या था, असुर था। तो राधा रानी ने कहा जो भी हो, पर किसके रूप में था, गाय के रूप में था, बैल के रूप में था, तो गौ हत्या है ये। देखो हमारे यहाँ गौ हत्या की कितने मतलब दोष बताया गया है ना, ये असुर था, वो भगवान थे, तब भी राधा रानी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर क्या है, ये पाप लगा है। मतलब गौ हत्या कितनी मतलब ये करना कितना बड़ा पाप है आप सोच नहीं सकते। और निस्संदेह जो उस समय गौ हत्या कर रहे हैं वो पूरे के पूरे असुर हैं, राक्षस हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये गौ हत्याएं अभी तक हमारे जो है इस देश में बंद नहीं हो रही, जबकि लोग इसी के बोल बोल के प्रधानमंत्री बन गए, तब भी उन्होंने बंद नहीं किया है ना। पहले मोदी जी कहते थे पिंक, कांग्रेस को कहते थे पिंक क्रांति कर रही है कांग्रेस, है ना, हरित क्रांति से, क्योंकि कांग्रेस के समय में बहुत मांस जो है यहाँ से बाहर बेचते थे, तो मोदी जी इसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ वाला निंदा करते थे। पर वही कार्य इनके राज्य में हो रहा है और कांग्रेस से ज़्यादा हो रहा है। इतनी यहाँ पे भारत जो है सबसे बड़ा गौ मांस का सप्लायर है पूरी दुनिया में, जितना मांस भारत बेचता है ना गौ मांस, उतना और कोई देश नहीं बेचता। जहाँ पे गाय को पूजनीय माना जाता है उनकी सरकार में ये काम हो रहा है, जो मतलब इसी के लिए आए थे कि हम सब चीज़ें बंद करेंगे। पता नहीं कोई साजिश है इस देश में कि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है ना, कुछ है ऐसा कि बंद नहीं हो रही है, जबकि इसको बहुत ज़्यादा निंदनीय माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है राधा रानी का कि तुम जो है गौ हत्या तुम पे लगी है, तो जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते
तब तक हम रासलीला नहीं करेंगे, मतलब मुझे छूना मत। तो उन्होंने पूछा, कृष्ण ने, कि अपनी सखी से पूछो मुझे क्या करना होगा। तो राधा रानी ने क्या कहा कि सारे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उनमें जाके स्नान करके आओ, तब इस पाप से क्या होगी, मुक्त हो गए। तो भगवान ने कहा कि मैं कहाँ सारे तीर्थों में जाता रहूँगा, मैं ऐसा करता हूँ सबको यहीं बुला लेता हूँ। तो भगवान ने अपने चरण से एक प्रहार किया और सारे तीर्थों का आह्वान किया और भगवान के आह्वान से सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए और अपना अपना नाम बता के भगवान को प्रणाम करके वो जो कुंड भगवान ने बनाया था उसी कुंड में क्या कर गए, सारे तीर्थ प्रवेश कर गए और भगवान ने उसमें स्नान किया और भगवान ने कहा अब मैं पवित्र हो चुका हूँ। तो मैंने तो ये परोपकार का कार्य भी कर दिया, आगे चल के ये तीर्थ लोगों का उद्धार करेगा, पर तुम्हारी सखी ने भी कुछ अच्छा कार्य किया है जीवन में, कोई धर्म धार्मिक कार्य किया है कोई, पर जैसे उनको याद रखा जाए। और कहा चलो वो सब तो बाद में करना, पहले अब तुम्हारे ऊपर भी दोष आ गया है, भगवान ने राधा रानी को कहा, क्योंकि अगर राजा दोषी होता है तो उसके पाप का, उसके दोष का भाग किसको प्राप्त होता है, प्रजा को भी प्राप्त होता है। अगर मैं पापी हूं तो तुम्हें भी क्या है, ये पाप प्राप्त हुआ है, और दूसरा तुमने असुर का पक्ष लिया है, इसलिए अब तुम्हें भी जो है पवित्र होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि तुम मेरे कुंड में आके जो है क्या हो जाओ, पवित्र हो जाओ। तो राधा रानी ने क्या कहा, राधा रानी ने कहा कि अरे तुम्हारा कुंड तो दूषित हो गया है तुम्हारे नहाने से, तुम्हारे इस दूषित कुंड में हम क्यों स्नान करेंगे, हम अपना कुंड खुद बनाएंगे, है ना। तुम तो ऐसे श्याम तिहारे निहाते निहाते कालिन देवी कारी भई है, अरे श्याम तुम इतने काले हो कि तुम्हारे स्नान करते करते यमुना भी काली हो गई, छूना न मुझको अरे मुरली वाले, क्या मेरे तन पे गुरारी रहे, अरे मुझे टच मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझे टच कर दोगे तो मैं भी क्या हो जाऊंगी, काली हो जाऊंगी, मेरा गौर वर्ण जो है चला जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं कि भाई सोने का रंग कसौटी पे चढ़ता है, कसौटी जो है जिससे सोने को नापते हैं वो जब मिलते हैं तो सोने का रंग कसौटी के ऊपर आता है, कसौटी का रंग कभी भी सोने के ऊपर नहीं आता, कसौटी काली होती है, सोना स्वर्ण जो है वो गोअर वर्ण का होता है, तो स्वर्ण के जो है रंग उसके ऊपर जाता है। ऐसे ही हे राधा रानी, जब कृष्ण तुमसे मिलेंगे तो कृष्ण का कलर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम्हारा कलर, तुम्हारा वर्ण किसके ऊपर आएगा, कृष्ण के ऊपर आएगा। और ये हुआ भी, कृष्ण के ऊपर राधा रानी का जो है रंग आ गया और तब कृष्ण क्या बन गए, गौर महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। तो उस प्रकार कहा कि मैं आप, हम अपना कुंड बनाएंगे, तब सब गोपियों ने मिलके अपने चूड़ियों, अपने कंगन, अपने नूपुरों से, अपने हाथों से मिट्टी खोद के कुंड बनाया और उस कुंड में जो है कुंड तो बना दिया, अब जल कौन सा आए, तो मानसी गंगा से मटकों को घड़ों को भर भर के लाने लगी। तब इतना प्रयास जब देख रहे थे तो भगवान कृष्ण ने सारे तीर्थों को आदेश दिया और सारे तीर्थ फिर राधा रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें आज्ञा दो तो हम आपके कुंड को भर दें। फिर राधा रानी उनको आज्ञा देती हैं और फिर वो सारे जो तीर्थों का जल है वो राधा कुंड में भी प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार ये जो लीला हुई, राधा कुंड का जो प्रकट हुआ वो आज के दिन हुआ, क्योंकि आज ही अरिष्टासुर आया था, आज ही पूर्णिमा है, आज ही रासलीला होनी है, तो ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, जिस हिसाब से तय होता है कि आज का दिन ही है जो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। और जो हम वो मनाते हैं
तो वो कृष्ण पक्ष है, काली रात है, उस दिन ना अरिष्टासुर आया ना रास हुआ, तो उस दिन नहीं हो सकता राधा कुंड का आविर्भाव, है ना, ये बात तय है। अब क्यों मनाते हैं, इतने सालों से क्यों मना रहे थे, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ कि सही कारण क्या है, क्योंकि हो सकता है बहुलाष्टमी के दिन स्नान करने की ज़्यादा महिमा हो, तो इसलिए स्नान करने की प्रथा हो तो लोगों ने ये चला दियो प्रथा कि आज के दिन राधा कुंड का क्या हुआ था, प्राकट्य हुआ था। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भगवान कृष्ण और जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो उसके बाद सारे तीर्थ स्थल लुप्त हो गए थे, और भगवान ने फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गोस्वामियों के रूप में राधा सारे तीर्थों की खोज की, और राधा कुंड की खोज स्वयं किसने की है, चैतन्य महाप्रभु। जब महाप्रभु वृंदावन आए तो विशेष तौर पर राधा कुंड का दर्शन करने आए थे, राधा कुंड का आस्वादन करने आए थे। वो नृत्य करते करते जब आरेट ग्राम में पहुंचे, अब उस गांव का नाम भी था आरेट ग्राम, ये मध्य लीला में कविराज गोस्वामी कहते हैं, मध्य लीला के अंदर कह रहे हैं आरेट ग्राम। आरेट ग्राम का मतलब क्या हुआ, जहां भगवान ने किसको मारा है, अरिष्टासुर को। तो वहाँ किसी को पता नहीं था कि राधा कुंड क्या है, श्याम कुंड क्या है, वहाँ खेती हो रही थी, तो धान्य के खेत थे, उन खेतों के बीच में जो है दो छोटे छोटे से कुंड थे, उसमें थोड़ा सा जल था, तो महाप्रभु जाके जो है सर्वज्ञ भगवान है वो उन जलों की स्तुति करने लगे, और सब गांव वाले हैरान हो गए कि ये सन्यासी क्या कर रहा है, तो महाप्रभु ने बताया कि यही राधा कुंड है, यही। तो राधा कुंड की खोज किसने की है, चैतन्य महाप्रभु ने, तो राधा कुंड और श्याम कुंड की। तो हो सकता है कि बाद में जब गोस्वामियों ने राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया, पुनरुद्धार किया, तो वो उस दिन जब उनका किया हो तो शायद बहुलाष्टमी हो, है ना। महाप्रभु की बात नहीं कर रहा मैं, बाद में किया गया इसका, तो तब से हो सकता है इसको आविर्भाव माना गया हो, मतलब एक बार जब महाप्रभु के बाद हुआ और एक बार जब कृष्ण के समय हुआ, तो इस कारण से ये सही हो सकता है। बाकी मैं इसमें अपना विचार दे रहा हूँ, है ना, बाकी वैष्णव लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये राधा कुंड का जो है आविर्भाव हुआ। तो राधा कुंड की बड़ी महिमा है, ये श्लोक तो अभी रह गया, तो इसमें रूप गोस्वामी जी बताते हैं सारे उपदेश का अंतिम निचोड़ क्या है, कि कहाँ वास करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं राधा कुंड में ही वास करना चाहिए। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठ से मधुपुरी मथुरा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए श्रेष्ठ है। जनितः कृष्ण जन्मना मधुपुरी वरा, है ना, मधुपुरी जो है कृष्ण के जन्म से श्रेष्ठ है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। हालांकि वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है, सारे जितने लोक हैं, इवन ब्रह्मा का, शिव आदि का जितने लोक हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ लोक। इसलिए वेद कहता है ओम तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। कई बार अद्वैतवादी जो हैं व्याख्या करते हैं कि सब एक है, एक है, अद्वैत है, तो उनको कहो अरे भाई ये द्वैत इतना दिखाई दे रहा है ना। अदा भगवान ने गीता में भी द्वैत का वर्णन किया, भगवान ने उपदेश ही द्वैत से प्रारंभ किया, और भगवान ने क्या कहा गीता में सबसे पहले, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव भविष्ययाम सर्वे वयम अतः परम। दूसरा अध्याय 12वां श्लोक, हे अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, अहम त्वम इमे, ये तीन शब्द हैं, मैं तुम और ये राजा लोग, इमे शब्द बहुवचन में है क्योंकि बहुत सारे राजा हैं, आसम हम थे भी और अस्ति हैं भी
और भविष्यामः आगे होंगे भी, यानी हम पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। तो यहाँ तो पूरा अद्वैत कट गया, शुरुआत में ही भगवान ने काट दिया शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद को। अब शंकराचार्य जी क्या करें, उन्होंने अपने सिद्धांत को बचाना है तो उन्होंने एक सूत्र, एक फार्मूला निकाला अपने मन से, देह वेदानुवृत्या बहुवचनम न तु आत्म भेद अभिप्रायण। ये जो बहुवचन भगवान प्रयोग कर रहे हैं, अहम त्वम इमे, ये देह भेद के हिसाब से है, शरीर अलग अलग है ना, इसलिए आत्म भेद के हिसाब से नहीं है। इसलिए जो भेद है ये व्यवहार में है, परमार्थ में भेद नहीं है। इसलिए मायावादी लोग शंकराचार्य के अनुयायी तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभासिक सत्ता, एक परमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता क्या है, हम तुम सब बैठे हुए हैं, व्यवहार है। और परमार्थ क्या है, हम सब एक हैं। और प्रतिभासिक सत्ता क्या है, कई चीजें दिखाई दे रही हैं, आभास हो रहा है, वास्तव में वो है नहीं, उसको प्रतिभासिक कहते हैं। तो जगत तो मानते हैं प्रतिभासिक है वो। तो भाई चलो मान लिया आपकी बात, परमार्थ में हम सब एक हैं, पर ये वेद मंत्र तो परमार्थ का है, व्यवहार का थोड़ी है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, यहाँ पश्यन्ति है, सूर्य है, ये अलग हैं और विष्णु अलग हैं, परमम पद अलग हैं। तो ये परमार्थ में वेद भेद दिखा रहा है, अरे नहीं ये व्यवहार है, नहीं ये परमार्थ है, परमम पदम कहा है, नहीं इससे भी आगे एक अवस्था है, उसमें अभेद है, नहीं वहां सदा कहा है, सदा पश्यन्ति, सदैव इस अवस्था में रहेंगे। तो ये वेद का मंत्र खंडन कर रहा है साहब, इतना क्लियर वाक्य और कोई कहां मिलेगा। तो वैकुंठ लोग सबसे श्रेष्ठ है, अब ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ेंगे ना हमारा श्लोक ये है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। तो मधुपुरी श्रेष्ठ है, पर मधुपुरी से भी श्रेष्ठ क्या है, वृंदावन, वृंदारण्यम। वृंदारण्य क्यों श्रेष्ठ है, मधुपुर्यात वृंदारण्यम वरम क्यों श्रेष्ठ है, रासोत्सवात पंचमी, रासोत्सव होने से है ना। और उस वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धना, गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ है, उदार पारी रमणात, उदार पानी श्री कृष्ण के जो हाथों में भगवान ने उसको धारण, भगवान ने अपने हाथ पे उसको धारण किया, एक हाथ पे उसको धारण किया, तो इसलिए गोवर्धन जो है वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। अथवा रमणात में प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि भगवान ने कई दिव्य लीलाएं जो हैं की हैं, कुंजों में, गोवर्धन के कुंजों में युगल विहार होता है, तो इसलिए रमणात वहां रमण करने के कारण ये रासलीला की स्थली वृंदावन से भी ज्यादा क्या है, श्रेष्ठ है। पर उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंडम यहाँ अपि गोकुल पते, राधा कुंड उस गोवर्धन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जो कहाँ विराजमान है, विराजितो गिरि तटे, जो गोवर्धन के ही पास में, गोवर्धन में ही विराजमान है वो राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि गोकुल पते जो गोकुल के स्वामी हैं श्री कृष्ण, उनके प्रेम ही है, उनका प्रेम है, वही इस कुंड के रूप में बह रहा है, प्रेमामृता प्लवनात। वास्तव में जैसे गंगा जी हैं वो केवल भगवान के चरणों की रज नहीं है, स्वयं भगवान ही पुराणों में कथा आती है कि अपनी दिव्य लीला को सुन के, अपने प्रेम को सुन के भगवान पूर्ण रूप से पिघल गए एक बार।
और जब भगवान पिघल गए तो भगवान द्रवीभूत हो गए, वही द्रव जो है गंगा जल है। ये गंगा जल और कुछ नहीं है, भगवान ही है इस जल के रूप में जो पिघल चुके हैं प्रेम से। ऐसे ही ये कुंड और कुछ नहीं है, राधा रानी स्वयं जो है इस कुंड के रूप में विराजमान है, राधा रानी ही विराजमान है। इसलिए ये कुंड कृष्ण को कितना प्रिय है तो पद्म पुराण कहता है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेशु सेवेका विष्णु रत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णु, जैसे राधा रानी विष्णु की प्रिय है वैसे ही उनका कुंड भी प्रिय है, उतना ही प्रिय है। सर्व गोपीशु, सर्व गोपियों में सा एव एका, वही एकमात्र श्रीमती राधा रानी विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु को अत्यंत प्यारी है, अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो जो है उनके अंदर सबसे अधिक ज्यादा कृष्ण सुख तात्पर्यमयी भक्ति जो है जागृत होती है, और यही जो है इसलिए राधा रानी सबसे प्रिय हैं। और राधा रानी अपने एक रूप में जो है राधा कुंड बनी हुई हैं और कृष्ण जो है श्याम कुंड बने हुए हैं और यहाँ पे वो नित्य विहार कर रहे हैं, तो इसलिए राधा कुंड उस श्री कृष्ण को वैसा ही प्रिय है जैसे राधा रानी प्रिय है, एक इंच का भी फर्क नहीं है, दोनों बराबर प्रिय हैं। और यहाँ इस राधा कुंड में नित्य राधा कृष्ण जल क्रीड़ा करते हैं, नित्य यहाँ पे विहार करते हैं। और रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बस एक अंतिम श्लोक में पढ़ रहा हूँ उसके बाद विराम देंगे, समय हो गया, कि जो राधा कुंड में एक बार स्नान करेगा, जय कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जल के ली करे तारे रास रंगे, से कुंडे जय एक बार करे स्नान, तारे राधा संप्रेम कृष्ण करे दान। उस कुंड में जो एक बार स्नान करेगा कृष्ण उसको राधा रानी के समान प्रेम का दान कर देंगे। तो उसके प्रमाण में एक श्लोक है, रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्मे व्यापर तो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययोर ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्तत ते व्यस्ता पशुपाल पंकज दृश त्याभ्योपि साराधिका प्रेष्टा तत्वदियं तदीय सरसी तामनाश्रयेत का कृति। तो श्लोक में यही कह रहे हैं कि उन्हीं के समान प्रिय है, और पूरा क्रम बता रहे हैं, अब इतना क्रम में व्याख्या करने का समय नहीं है। और अंत में श्लोक में भी कह रहे हैं, तो ऐसा कौन विवेकी व्यक्ति है जो उसकी सेवा नहीं करना चाहेगा, जो वहां रहना नहीं चाहेगा। और प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में कि जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं वो राधा कुंड में ही रहना चाहते हैं, राधा कुंड में रहने की इच्छा करते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि राधा कुंड की महिमा वो ही समझ सकता है जो चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। बाकी कोई माधुर्य रस में भी है तो वो भी राधा कुंड की महिमा नहीं समझ सकता जब तक कि वो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी नहीं है। तो इस प्रकार आज के दिन जो है राधा कुंड का आविर्भाव हुआ। तो यहीं पे विराम देते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं, कोई चर्चा इस प्रकार से। हाँ जी प्रभु जी बोली। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूरी रहने के स्थान को कहते हैं, जैसे पूर ऐसे पूरी, तो सात पुरियाँ बताई गई हैं। तो उसमें जो है मधुपुरी है, द्वारकापुरी है, काशी भी एक पुरी है। तो इस प्रकार से जो भगवान के पवित्र स्थल होते हैं, धाम होते हैं, उनको कई बार पुरी भी संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से
वो सन्यास की एक उपाधि है, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, तो पुरी एक सन्यास की एक उपाधि होती है, तो वो पुरी अलग है, ये पुरी अलग है। वैसे तो आलू पुरी भी होते हैं तो वो अलग है, तो हर पुरी को मिक्स मत करो, ठीक है। हरी हरी। जैसे पीएम है हमारे, तो जैसे हमारे इंडिया में गौ हत्या हो रही है, तो आपने बोला था राजा का जो पाप रहता है, जो कर्म होता है, तो प्रजा को भी लगता है, तो यहाँ हमारे यहाँ जो गौ हत्या हो रही है, तो उसका पाप हमको भी लग रहा होगा। बिल्कुल, जो राजा कोई गलत कार्य करता है तो उसका पाप प्रजा को भोगना पड़ता है कुछ अंश, और प्रजा जब अच्छा कार्य करती है तो उसका फल राजा को प्राप्त होता है, ये चलता है। जैसे भागवत में कहा गया है, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। जैसे प्रजा जो भक्ति करेगी तो उसका छठा अंश वो राजा को प्राप्त होगा, तो करीबन 16-17% लगा कह सकते हैं तो इस प्रकार से वो राजा को प्राप्त होगा। ऐसे ही राजा का पाप भी लगता है, तो दोनों बात सच है। इसलिए हमें अपनी साधना, अपनी भक्ति करनी चाहिए, ताकि कहीं लेन देन करनी भी पड़े तो भी नुकसान ना हो, है ना। इस प्रकार अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। हाँ प्रोजी, ये अब इनको पूछने दो हैं। हरे कृष्ण, दंगा प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि आप जैसे जब भी आप लेक्चर देते हैं, तो जो भक्ति पे गूढ़ता के साथ आप बोलते हैं और हमारे शास्त्रों से एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी लेके आप निकाल के आते हैं, तो आम तौर पे वो बहुत कठिन होता है किसी भक्त के लिए, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना प्रोत्साहित रखती है कि आप मतलब ग्रंथों से चीज़ें लेके आते हैं? एक गोली आती है छोटी सी तो जी ये है ना, कथा कहने वाले में योग्यता होती है, पर उससे उसके अंदर जो उत्साह आता है ना, वो सुनने वालों को देख के आता है। आप जैसे जब श्रोता होंगे, जब उत्साह से बैठेंगे तो वक्ता का अपने आप उत्साह आएगा, और जब वक्ता का उत्साह आएगा तो भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वो विषय भी स्मरण होते हैं। अब श्रोता ही आलस में बैठे हों, सो रहे हों, ढीले हों, तो वक्ता भी ढीला हो जाता है। तो इसलिए जो कथा होती है वो श्रोताओं के कारण होती है, ये कारण है। बाकी भगवान की कृपा है, मतलब इस प्रकार से ये कोई ऐसे गोली तो है नहीं जो बताऊं मैं आपको। एक प्रश्न और था कि जैसे जो चीज़ें आप बताते हैं, जो कथाएं की बातें होती हैं, तो वैसे तो नेट पे काफ़ी कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है। हाँ, तो अगर हम कॉमन मैन, कोई डिवोटी है, अगर ऑथेंटिक सोर्स की तलाश कर रहे हैं कि जो भी कथाएं हैं उसको हम ऑथेंटिक सोर्स से देखें कहाँ पर मिल सकती हैं, तो वो हम शॉर्ट में कहाँ से ले सकते, क्योंकि अदरवाइज तो श्रीमद् भागवतम में भी सारी कथाएँ हैं, तो लेकिन हम शॉर्ट में कहाँ से ले सकते? तो शॉर्ट में कुछ नहीं होता, मैंने पहले ही कहा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना, ग्रंथ खोलने पड़ते हैं। हम यही तुम्हारे अंदर बीमारी है कि हम हर चीज़ क्या चाहते हैं, हमें है ना वो इंस्टेंट मिल जाए। ये कोई मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट में तैयार हो गई, वो भी 2 मिनट में नहीं होती, 5 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो जल्दी कुछ नहीं होता, समय लगता है। तो अगर आप सोचोगे ये एकदम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, प्रमाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें भगवान के चरित्र भी हैं। तो बाकी हाँ, इंटरनेट पे सब चीज़ें प्रमाणिक नहीं हैं, ये भी बात भी सही है। तो आप ये देखो कि सही सोर्स है जहाँ से हम नॉलेज ले रहे हैं, तब उससे लो। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि प्रमाण देते चलें कि हमने भाई इस ग्रंथ से लिया है, ये संख्या है, ये है, क्योंकि अपने मन से कुछ नहीं कह रहा है, और यहाँ पे बैठ के अपने मन की बात करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, व्यास आसन। यहाँ पे सबको व्यास देव का प्रतिनिधित्व करना है,
जो व्यास देव जी कह रहे हैं हमें उन्हीं को फॉलो करना, तो इस प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। देखो जैसे बच्चा पैदा करने में मेहनत लगती है ना, हमारे एक आचार्य कहते हैं वो एक स्त्री जान सकती है, तो ऐसे एक विद्वान को पता है कि शास्त्रों को पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है। वो है ना, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। इस प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ है ऐसा, हरे कृष्ण बोल जी। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि राधा कुंड पे वास करना चाहिए, तो हमारे लिए क्या रिकमेंडेशन है, राधा कुंड पे किस तरह से हम उसका बेनिफिट? हाँ, भक्तिनु ठाकुर कह रहे हैं कि साधक देह से हो सके तो वास करना चाहिए, अगर साधक देह से नहीं हो पा रहा तो सिद्ध देह से वास करना चाहिए। पर हम तो ना साधक देह से कर पा रहे हैं, और सिद्ध देह का तो मतलब ही नहीं है। मन से रहना चाहिए वहाँ पे, मन से वास करना चाहिए, मतलब मन प्रयास करना चाहिए कि समय निकाल के हम जाएं रह, है ना, बीच बीच में, पर फिर भी हमारा मन वहाँ पे होना चाहिए। मोर मन वृंदावन, जैसे राधा रानी अगर ब्रज से बाहर भी आती थी तो उनका मन ब्रज में ही रहता था, तो ऐसे ही मन जो है कम से कम मन से तो वास करें। और ऐसा कहा है आचार्यों ने कि अगर शरीर से संभव नहीं है तो कम से कम मन से तो ब्रज में रहो, इस प्रकार से ये है, क्योंकि मन का ही फल मिलेगा। ये ध्यान, जहाँ मन होगा, क्योंकि मन से ही संसार है और मन से ही मुक्ति है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।